स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल नेचर फैक्ट टेक की दुनिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमय किले के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अलवर राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ दूर पर ही सरिस्का नेशनल पार्क है। किले में कई मंदिर भी हैं जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समुच्चा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल था। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति न रुके। किले का इतिहास भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। एक शराब के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। चित्र रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया था। राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी, जिससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। भारत सरकार ने सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहाँ रुकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में यहाँ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इस किले की क्या सच्चाई है, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।